100% डाउन ट्रेंड के अंदर ही लग गई। हालांकि मार्केट ने यहाँ पे 3 दिन से तेजी जरूर दिखा दी, गैप अप खुलने के चांसेस भी हैं, बट स्टिल द मार्केट इज डाउन ट्रेंड, अभी भी कहीं ना कहीं वो डाउन ट्रेंड में ही है। मतलब हम इंटर, इसका क्या मतलब होता है, इस बात का मतलब क्या होता है, मतलब समझ लेते हैं पहले इस बात का। मार्केट डाउन ट्रेंड में है व्हेन वी आर सेइंग, हम इस बात को कब कह रहे हैं, व्हेन इट इज ऑन ए डे चार्ट। इसका सीधा मतलब ये है कि आप इंट्राडे में बुलिश या बेयरिश दोनों हो सकते हैं, बुलिश भी हो सकते हैं या बेयरिश भी हो सकते हैं, बट आप डे के चार्ट पे मतलब पोजिशनली या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप अभी भी डाउन ट्रेंड ही मार्केट के अंदर देख रहे हैं। इंट्राडे में आज भी जैसे मान लीजिए आज कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हुई है मार्केट, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट जहां ओपन हुई है उसके नीचे क्लोज हुई है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप देखिए यहां पर मार्केट ओपन हुई थी, क्लोज यहां पर हुई है कहीं ना कहीं। सो स्लोली मार्केट ऊपर बढ़ गई लेकिन इंट्राडे में बेयरिश रही, तो इसलिए ओवरऑल लॉन्ग रेंज के अंदर अगर हम देख रहे हैं डे के चार्ट पर जाकर या इवन वीकली चार्ट पर जाकर भी अगर आप देखोगे, सो समवेयर अराउंड आपको यही दिखेगा इट्स अंडर डाउन ट्रेंड। लगातार 5 कैंडल रेड बनी है, इट्स डाउन ट्रेंड, ये इतनी आसानी से एकदम से नहीं बदल जाएगा। एंड चांसेस आर हाई कि देखिए ऐसा पैटर्न बनना चाहिए, कायदा यही कहता है कि इस तरीके का पैटर्न बनना चाहिए, मतलब हमें कहीं ना कहीं 18400 तक मार्केट में आना चाहिए। अब ये अलग बात है कि हम आ नहीं रहे, ये अलग बात है कि हम यहाँ से मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अलग बात है कि हम यहाँ से बहुत मुड़ जाएंगे, ये अलग बात है, बट ऑन चार्ट अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ तक 18400 के आसपास तक आना चाहिए था, है ना। सो नाउ लेट्स सी कि कल क्या हो सकता है, हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए। सो वी कैन गो टू द 5 मिनट चार्ट, हम 5 मिनट चार्ट पर चलते हैं। देखिए आज बड़े पेशेंस के साथ मैं आपको स्लोली बिल्कुल समझा रहा हूँ, एंड द रीजन इज़ वेरी वेरी क्लियर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि वाई आई एम टेलिंग यू विद सो मच ऑफ पेशेंस टू यू, है ना। सो देखिए बात करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं SGX निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी वगैरह को देखूँ तो पता लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है थोड़ा गैप अप ओपन हो सकती है। गैप अप ओपन क्यों हो सकती है, क्योंकि डोजोन्स पोजोन से सारे जो बाहर की मार्केट हैं ये सारी अप दिख रही हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, देखिए क्या होता है कि डो जोन्स की वजह से या नेस्टेक की वजह से या बाहर की जो मार्केट है उनकी वजह से जो खेल होना होता है वो खेला रात में ही हो जाता है, है ना। अब मान लीजिए मतलब जो वो डो जोन्स या नेस्टेक मान लो 300 पॉइंट अप है, 300 पॉइंट अप होने की वजह से मान लीजिए हमारी मार्केट के अंदर लोगों को एक्सपेक्ट है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तो वो रातों रात जो उसके अंदर पोजीशंस बन गई उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट अप खुल गई। बट अब जो मार्केट ने करना है वो अपने हिसाब से करना है। स्टॉक मार्केट के टिप्स और दूसरों की कॉल्स और दूसरों के सजेशन से तंग आ चुके हो, अगर नहीं पता चला ये खेला क्या हुआ, ये